नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सपेंस और इनकम के बारे में। जब भी कोई नया स्टूडेंट टैली को सीखता है तो उसकी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है लेजर्स, और लेजर्स को किस तरीके से बनाया जाता है इसकी वीडियो हमने पहले ही बना रखी है। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब लेजर बनाने के बाद उसमें हमें सबसे पहला कन्फ्यूज़न है कि अपने खर्चों या इनकम को डायरेक्ट में डाला जाए या फिर इनडायरेक्ट में डाला जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। आखिर एक्सपेंसेस होते क्या हैं? किसी भी गुड्स को बनाने और बेचने में जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी को एक्सपेंसेस कहा जाता है। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से बिजनेसमैन की पूंजी में कमी आती है। अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें बिजनेसमैन गुड्स को परचेज करने या उसे मैन्युफैक्चर करने में खर्च करता है, और जब तक कि वो माल बेचने नहीं लग जाता तब तक कि उसके सभी खर्चे इसमें शामिल होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस गुड्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जितना भी खर्च गुड्स को प्रोडक्शन करने में होता है उन सभी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब भी कोई कंपनी गुड्स को परचेज करती है या फिर उसे मैन्युफैक्चर करती है, उसके बीच का जितना भी प्रोसेस होता है यानी जितने भी उसके खर्चे होते हैं वो सभी खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है भाड़ा देना, यानी कि रिक्शा हायर करना। जब भी हम रॉ मटेरियल को परचेज करके अपनी फैक्ट्री तक लेकर आते हैं उसका जितना भी किराया हम देते हैं वो सारे का सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कारखाने की बिजली का बिल देना, यानी जब भी हम किसी रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस आता है वो सारा का सारा एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें मशीनों की मरम्मत कराना, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर कोई मशीन आपकी खराब हो गई है और उस मशीन को रिपेयर कराने में जितना भी एक्सपेंस आप देते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फैक्ट्री का रेंट देना, जब आप कोई कंपनी रेंट पर लेते हैं और वहां पर अपनी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और जब भी आप उसका फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया जाता है। इसके बाद बात करें हम लोग मजदूरी देना, यानी कि कोई मजदूर काम करता है तो उसका जो भी पैसा आप उसे पे करते हैं वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स की बिक्री और ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, जैसे ऐसे खर्चे जो माल और प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला एग्जांपल है सैलरी देना, यानी जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करती है तो वो जो एक्सपेंस होता है उसका वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डोनेशन की, तो अगर कोई कंपनी किसी को डोनेशन देती है तो वो एक्सपेंसेस भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत ही आते हैं। अगर कोई ऑडिटर आपके यहाँ ऑडिट करता है उसके जितने भी खर्चे होते हैं यानी ऑडिटर की जो भी फीस होती है प्लस उसके चाय पानी का जो भी खर्चा होता है वो सारा खर्चा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें टेलीफोन बिल की, तो टेलीफोन बिल का भी जो खर्चा होता है वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर चाय का खर्चा, यानी कि जब भी हम किसी मजदूर को चाय का खर्चा देते हैं यानी उसे चाय पिलाते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो उसका जो भी खर्चा होता है वो भी आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही आता है। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका जो भी ब्याज यानी जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं वो इंटरेस्ट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यानी आप अपनी कंपनी में जो भी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस करते हैं वो सभी के सभी एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। तो ये तो थे सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल। इसके बाद हम बात करते हैं इनकम्स की कि आखिर इनकम हमारी क्या होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इनकम की, तो जब भी हम मार्केट में गुड्स को सेल करते हैं तब हमें पैसे मिलते हैं और इन पैसों में से एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो भी पैसा हमें बचता है हम उन्हें इनकम कहते हैं। इनकम दो प्रकार के होते हैं, यानी इनकम दो तरह के होते हैं, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला इनकम होता है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम्स होती हैं जो बिजनेसमैन की मेन इनकम होती हैं, और जो इनकम हमें गुड्स को सेल करने में प्राप्त होती है उसे डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है
सेल करना। अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे सेल करते हैं और सेल करने के बाद जो भी आपको इनकम मिलती है उस इनकम में से आप अपने एक्सपेंस को निकाल देते हैं, उस इनकम में से आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, जो भी आपके पास बचता है वो आपकी इनकम कहलाई जाती है। तो जब भी आप किसी गुड्स को सेल करते हैं और आपको जो भी इनकम प्राप्त होती है वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाई जाती है। सर्विस देना भी आपका डायरेक्ट इनकम होती है, यानी जब भी आप किसी कस्टमर को किसी चीज की सर्विस देते हैं और उसका पैसा आप उससे रिसीव करते हैं तो वो भी आपकी एक तरह से इनकम होती है। और उस सर्विस को देने में जो भी आपके एक्सपेंसेस लगे होते हैं उस एक्सपेंसेस को जब भी आप अपने उस इनकम से माइनस कर देते हैं और जो आपके पास बचता है वो भी आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। तो इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो हमें गुड्स को सेल करने या सर्विस को सेल करने के अलावा प्राप्त होती है, यानी वो इनकम जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा तौर पर हमें रिसीव होती है। यानी जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव की, तो मान लीजिए अगर आप किसी गुड्स को परचेज करने गए हैं कंपनी के बिहाफ पे और वहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो डिस्काउंट आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाई जाती है। इसी तरीके से कमीशन भी आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाई जाती है। कमीशन यानी कि जब भी आप किसी कस्टमर से या जब भी आप किसी थर्ड पार्टी से कमीशन रिसीव करते हैं किसी भी अदर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपकी एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेंट रिसीव की, अगर आपको रेंट रिसीव होता है तो ये भी आपकी एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम ही होती है। और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, यानी अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और उस पैसे में से आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी आपकी एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम ही कहलाई जाती है। अब हम इन्हें प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि हम किस तरह से लेजर को टैली में क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा क्रिएट ऑप्शन पे और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा लेजर्स को। यहाँ पर आपको अपना लेजर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपका ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है क्या, तो एक तरीके से ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको हम रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और एंटर प्रेस करने के बाद आपको एंटर करके इसको सेव कर देना है। तो हमारा एक लेजर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको एक और लेजर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्शा हायर, यानी हमने जो रिक्शा हायर किया था हम उसका एक्सपेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो हम इसको भी यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पर रिक्शा हायर टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद आपको इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हुए एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑडिटर फीस। तो ऑडिटर फीस को लेने के बाद यहाँ पे आप इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एंटर करके हम इसको भी सेव कर देंगे, या फिर आप कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद तो यहाँ पर अगर और भी लेजर आप क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया टेलीफोन एक्सपेंसेस और टेलीफोन एक्सपेंस को हमने यहाँ पर टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखते हुए सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं इनकम्स के। तो इनकम्स के अगर हम लेजर देखें तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है सेल का, यानी अगर हम कोई गुड्स को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा लेजर क्रिएट होगा वो लेजर क्रिएट होगा सेल्स अकाउंट का। और सेल्स अकाउंट का जो हम लेजर क्रिएट करेंगे उसे अंडर ऑफ डालेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर, और इसके बाद हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर्विस की, तो मान लीजिए आपकी जो भी सर्विस है उस सर्विस का आप यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सर्विस का नाम दे दिया है ऑडिट फी, और ऑडिट फी को हम यहाँ पे रख देंगे डायरेक्ट इनकम के अंदर। और डायरेक्ट इनकम के अंदर रखते हुए हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। और इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम पे, और इनडायरेक्ट इनकम के भी मैं आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करके बता देता हूँ। डिस्काउंट रिसीव, यानी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो इसका हम लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनडायरेक्ट इनकम है तो इसे हम इनडायरेक्ट इनकम में रखते हुए यहाँ एंटर करके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं एक लेजर और क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कमीशन रिसीव का, यानी मान लीजिए हमें कमीशन रिसीव हुआ है तो यहाँ पर हम कमीशन रिसीव का लेजर क्रिएट करेंगे और इसको भी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रखते हुए हम इसे सेव कर देंगे। तो ये था लेजर क्रिएट करना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लेजर को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है या किस तरीके से लेजर को डिलीट भी किया जा सकता है। तो इसके लिए स्कैप करके आप एक बार पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अल्टर का। अल्टर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा लेजर्स। लेजर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है उस लेजर को जिस लेजर के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ऑडिट फी को सिलेक्ट करते हैं, और ऑडिट फी को सिलेक्ट करने के बाद
यहाँ से आपको जो भी चेंजेस करने हैं, मान लीजिए अगर आपको इसको इनडायरेक्ट में रखना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम के अंदर आप इसको रख सकते हैं और इसे एंटर करके यहाँ पे सेव करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेजर को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेजर डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Alt+D। Alt+D प्रेस करने के बाद ये आपसे नोटिफिकेशन मांगेगा कि क्या आप इसे सच में डिलीट करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर यस प्रेस करना होगा। यस प्रेस करते ही आप देखेंगे हमारा ये लेजर यहाँ से डिलीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने कैश का एक लेजर है और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेजर है। यानी ये दो लेजर्स हमने क्रिएट नहीं किए थे, ये लेजर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो हो रहे हैं। तो बेसिकली जब भी आप टैली में नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस सिचुएशन में टैली ऑटोमेटिकली ही दो लेजर क्रिएट करके आपको दे देती है। यानी कभी भी आपको टैली के अंदर कैश का या प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट कंपनी आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करके प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा लेजर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।